हेलो एवरीवन, आईआईटी एंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनता है। ये मेरी रिसर्च के हिसाब से है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको खुद से यहाँ पे रिसर्च करनी हो, फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले इंट्राडे के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने चुना है वो है स्पार्क सन फार्मा एडवांस। देखो, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया था तब भी मैंने आपको ट्रेड के लिए बोला था, और अब ये यहाँ से वापस पुल बैक लेकर के रिटेस्ट करके निकला है, तब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब ये आ चुका है। तो अब ये वाला स्विंग है उसको ब्रेकआउट देकर के क्लोज करके गया है। अब इसमें चांसेस ये हैं कि पूरा ये वाले टारगेट हैं वो इसके अंदर अचीव हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, 395 का जो लेवल है, अगर ये ऊपर में निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए। 399 फर्स्ट टारगेट, 402 सेकेंड टारगेट और स्टॉप लॉस 390 का बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर का स्टॉक है वो है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी तेजी के बाद में यहाँ पे करेक्शन हुई, और ये थोड़ा सा जो भी है करेक्शन फेज है इसका, यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होने के चांसेस लग रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम वाली करेक्शन है वो अभी चल रही है, लेकिन जो कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हो सकता है कि ये वाले जो स्विंग है ये टेस्ट करे और थोड़ा सा ऊपर में डिप सॉरी ऊपर में बाउंस लेके जाए, ठीक है। तो अगर ये ऊपर के अंदर आपको 69.5 का लेवल निकलता हुआ दिखे तो आपको एंट्री करनी है। 71 और 72 ये दो टारगेट बनते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 68.5 का बनता है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का स्टॉक हो गया। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सीखना है, करियर बनाना है और किस टाइप से काम करना है, ठीक है, नहीं आता है तो आपको प्लीज सीखना चाहिए, और सीखने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप यहां पे हमने कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया जाएगा। आपको हर एक चीज बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाई जाएगी, आपको हर एक प्रकार की ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कोर्स है जो कि 9 बजे से 10:30 बजे तक रात में एवरीडे क्लास होने वाली है। तो इसमें आप ज्वाइन कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके आपको सिखाया जाएगा, तो आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे यूपीआई आईडी दी गई है इसके ऊपर पेमेंट करो, और या ये क्यूआर कोड है इसके ऊपर आप पेमेंट करोगे तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, और आपको ये जो डिटेल है ये भी सेंड करनी है तो आपकी रिसीट है वो जारी कर दी जाएगी। अब चलते हैं जो इंट्राडे के नेक्स्ट स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। तो जो नेक्स्ट वाला स्टॉक हमने चुना है वो है एनएचपीसी, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये काफी अच्छी तेजी थी, उसके बाद में ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये एक यहाँ पे चार्ट पैटर्न का तरीका बन गया, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आज हो गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर कल निकलता है तो 93.3 के ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री कर लीजिए। 94.5 ये हमारा फर्स्ट टारगेट, 95.3 ये सेकेंड टारगेट बनता है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है 92.5 का। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है अडानी पावर। अडानी पावर के अंदर आप देखोगे तो ये एक यहाँ पे रेंज बनी हुई है, और ये यहाँ पे एक पीनट पैटर्न है वो बना था, उसके बाद में ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बहुत बार यहाँ पे आपको बोला है कि ये जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, लेकिन नहीं गया, ठीक है। आज यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन ये जो क्लोज करके गया है ये थोड़ा नीचे करके गया है। क्लोजिंग से पहले आप देखोगे तो बहुत अच्छी तेजी इसके अंदर हुई थी। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊं तो ये चार्ट आप देखिए, तो इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, और ये सिग्नल भी दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो 575 का यहाँ पे एंट्री लेवल है, इसके ऊपर जाए तो आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। 580 और 585 ये दो इंट्राडे के टारगेट हैं, और 568 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हो चुकी है, और वापस ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो
चुका है, तो काफी अच्छी तेजी आपको देखने को फिर से इसके अंदर मिल सकती है। तो अगर इसमें 2290 का लेवल निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए 2305, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, 2320 ये सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस 2275 का बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट बताई, जिनके अंदर आप यहाँ पे खुद से भी एनालिसिस करोगे और फिर ही आप ट्रेड लोगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।